तो जयपुर के मानसरोवर की टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार उत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इस संबंध में सरकार के सभी विभागों को निर्देशित किया गया, सरकारी पदों के खाली होते ही लिस्टिंग का काम किया जाए, हमें यहाँ हर महीने पदों को भरने की दिशा में व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि इसके अलावा आरपीएससी से भी नया कैलेंडर मांगा गया है। आरपीएससी से रिटायर होने वाले पदों की संख्या के मद्देनजर भर्तियों को लेकर कैलेंडर बनाएं और तय समय पर भर्तियां की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार के दौरान हुई पेपर लीक और डमी कैंडिडेट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के सपने टूटने नहीं देगी, प्रदेश में नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो राजस्थान सरकार के रोजगार उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत ने पिछली सरकार में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि परीक्षाओं की प्रणाली पर उठे सवालों को बीजेपी सरकार में ठीक कर लिया गया है। क्या कहा उन्होंने, जरा जान लीजिए। 6 महीने पहले जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार न सिर्फ दें बल्कि उसके बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्तियां एक प्रक्रिया के तहत होती हैं, परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर रिजल्ट आते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। बीच में ऐसा माहौल बन गया था, आप सभी युवा जो हैं जानते हैं, परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया था। एंटी चीटिंग टास्क फोर्स मुख्यमंत्री जी ने आते ही अपने जो पहले कुछ निर्णय, बड़े निर्णय थे उसमें लिया, और पिछले कुछ महीने से जो कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। 6 महीने पहले जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार न सिर्फ दें बल्कि उसके बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्ति। तो बजट सत्र से पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आपको जानकारी दी कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। 3 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और 10 जुलाई को बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले ये मुलाकात काफी अहम और बजट की तैयारियों में जुटी हुई है दिया कुमारी। तो मदन दिलावर के बयान के खिलाफ राजकुमार रोत के प्रदर्शन को कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन दिया है। 84 विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस और बीएपी विधानसभा उपचुनाव साथ लड़ेंगे। पर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस का भी साथ मिला है। धीरज गुर्जर जो कांग्रेस के सचिव है वो यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार का विरोध है आप? देखिए, ये कांग्रेस बीजेपी या भारत आदिवासी पार्टी की बात नहीं, ये हिंदुस्तान के प्राइड की बात है, क्योंकि इस देश के मूल वासियों के साथ मदन दिलावर ने बयान देकर खिलवाड़ करी है। उस खिलवाड़ के खिलाफ देश के अंदर हर व्यक्ति जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो इस देश को एक बनाए रखने की भावना में विश्वास रखता है, वो इस आंदोलन के अंदर साथ खड़ा होगा। और मदन दिलावर को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, और न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उनके पद से हटाना चाहिए, ताकि संदेश जाए देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासियों के सम्मान की बात नहीं करती बल्कि आदिवासियों के सम्मान का विश्वास भी करती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आदिवासी जो है वो सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है हमारे समाज का, फिर उन्होंने बयान को वापस लिया भी, उन्होंने बताया उसके बारे में। अगर उनके बयान से ये संतुष्ट नहीं है, आज अगर मैंने मान लिया को बयान दिया और उस बयान के बाद लोग मुझसे नाराज हैं, तो जब तक मैं लोगों को संतुष्ट नहीं कर दूं, तो उनको लोगों के बीच में आना चाहिए और अपने बयान की माफी मांगनी चाहिए। आगे उपचुनाव भी है और आपकी कोशिश ये है कि गठबंधन जो है वो जो बना था इंडिया अलायंस, उसमें बीजेपी भी रहे, क्या इस विरोध में आप जो साथ देने, इसको अवैध के रूप में भी देखा जाए? आज मैं धीरज गुर्जर की व्यक्तिगत हैसियत से आया हूँ, और जिस तरह से इस देश के मूल वासियों के प्रति जो उन्होंने उद्घोषण किया उसके खिलाफ यहाँ पर। तो आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें क्या 84 में आप और कांग्रेस साथ में लड़ने वाले हैं? ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व करेगा और राजस्थान के प्रभारी करेंगे, मैं भी उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ। ठीक है, तो साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश और इसलिए फिलहाल जो चुनाव है उसमें क्या स्थिति रहती है वो देखना होगा। व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुंचे हैं, विरोध लगातार तेज हो रहा है, अलग अलग नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
खबर है जयपुर से, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से कथावाचक जया किशोरी ने मुलाकात की। दिया कुमारी की मुलाकात जया किशोरी से सिटी पैलेस में हुई है, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से जया किशोरी का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।